मेरे में छिपकर वार किया है, एक बार फिर कश्मीर घाटी को इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने लहूलुहान किया है। यहाँ एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रही है, वहीं इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने मानवता का कत्ल किया है, इंसानियत का कत्ल किया है। श्री राकेश पंडिता जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत जांबाज लीडर थे, कश्मीर घाटी के त्राल से वो एक जीते हुए काउंसलर थे, म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन थे, रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर पाकिस्तानियों ने पीठ पर वार किया है। चुन चुन कर इन पाकिस्तानियों का हिसाब बराबर करेंगे, जिनने भी जो भी इस साजिश में मुलव्वस है उसका हिसाब किताब हम बराबर करेंगे। खून का बदला खून से लेंगे, इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। राकेश पंडिता साहब भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही जांबाज एक दिग्गज कार्यकर्ता थे, उन्होंने हमेशा कश्मीर घाटी में पाकिस्तानियों से, आतंकवादियों से, अलगाववादियों को हमेशा चुनौती दी और तिरंगा झंडा हमेशा बुलंद रखा। इन कायरों ने रात के अंधेरे में पीठ पर वार किया, इन कायरों को हम सफाया करेंगे। चुन चुन कर इनका कश्मीर घाटी से इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। जो इस साजिश में शामिल है किसी को नहीं बख्शा। ये असहनीय है, सहन योग्य नहीं है। और देखिए, किसी की मौत हुई है, उसके घर पे वो गए हुए हैं, वहाँ जाकर मिलिटेंटों द्वारा गोलियाँ चलाना और उसको ढेर कर देना, और पर्टिकुलरली उसी को उन्होंने निशाना बनाया है। इससे लगता है कि कश्मीर में अमन और शांति ना रहे, उसके लिए जो प्रयास पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के हैं उसमें वो कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। लेकिन हमें पूरा भरोसा है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, हमारी मिलिट्री फोर्सेस पर, हमारी जो सिक्योरिटी है। आपको लगता है कहीं